ये मेरा थर्ड ड्रेस, ठीक है। और मुझे दिखाने की इतनी जल्दी है कि मैंने प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। क्योंकि जैसे आया ना, अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने ईद का ड्रेस, और मैं लेकर आई थी उसी वक्त, और उस वक्त मैंने कहा थोड़ी क्लिप बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। अच्छा, मैंने तीनों ड्रेसेस के अपने बनाए थे, जो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे जो है वेयर करना था, लेकिन मैं आपको पहले थर्ड ड्रेस दिखा रही थी, वीडियो में बना चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन ये मैंने पहनना था फर्स्ट डे को, ठीक है। ये पफी स्लीव मैंने बनवाई थी इसके साथ, लॉन्ग शर्ट है, और साथ में जो है इसके गरारा और शिफॉन का, इसके साथ दुपट्टा, ऐसे ऐसे इसमें फैशन पट्टी लगवा ली थी, सिल्वर शाइन वाले जो होते हैं ना उस तरह के, और ये जो लिनन का जो पीस है ना इसके साथ जो इसमें देखिए प्रिंटेड में जो फ्लावर आ ना छोटा सा, उसी से उन्होंने टेलर ने जो उसका बटन बना दिया था शर्ट का, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, ठीक है। अच्छा, लिनन का है ये गरारा, ये कॉटन की शर्ट है, और शिफॉन का जो है वो है दुपट्टा, ठीक है। तो ये मैंने इस दफ़ा ईद पे जो फर्स्ट डे के लिए वेयर किया था, ये इसका जो है फुल लुक से मैचिंग किया था। पहले मैंने ये वाला कलर लिया था, ये वाला कलर लिया था, ठीक है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए। पहले मैंने अपने ब्लॉग में देखा होगा मैंने ये कलर लिया था, लेकिन टेलर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लॉन्ग शर्ट थी इसके ऊपर बहुत, मतलब छोटी शर्ट मुझे पसंद नहीं, तो मुझे बनवानी भी नहीं थी। तो फिर मैं फ़ौरन दूसरी शॉप में गई, वहाँ से मुझे लेना था कपड़ा, क्योंकि टेलर को उसी वक्त देना था, टाइम नहीं था। तो फिर मैंने ये वाला कलर चूज़ किया इसका, ठीक है। ये अब देखें, ये वाला कलर चूज़ किया मैंने, कहा ठीक है दुपट्टा तो चल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह प्रिंटेड इसका लिया है गरारा, ये काफ़ी चौड़ा है, मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ भी इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, ये जो शर्ट है ना इसको मैंने फ्रंट वाले हिस्सा छोटा रखवाया है, लेकिन लेस दोनों पे ये देखिए, लेकिन बैक से थोड़ा लॉन्ग रखा है, और ये इस तरह से इसका नारा बहुत चौड़ा है, ये देखिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, बस की चूड़ियाँ बाकी है, और इसके साथ मुझे कुस्सा लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईद के व्लॉग में। अच्छा, ये है चांद रात के व्लॉग, मैंने बिल्कुल भी ना बाज़ार की बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इस कदर रश था, मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं सही। हस्बैंड के कपड़े हैं और शलवार कमीज़ उनको लेना था, और ये जो है टोपी है साथ में, ठीक है। नमाज के लिए मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, लेकिन मैंने कहा पहले भी जाकर जल्दी से जो है मेहंदी लगवा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना जॉब से बहुत लेट आए थे, रात में तकरीबन 1:30-2 बजे कुछ आए थे, और उसके बाद हम मार्केट गए थे, और मार्केट में रश बहुत ज़्यादा रश था, ज़ाहिर है चांद रात थी तो इंतहा का रश था। और वहाँ पर से हम आए हैं, उसके बाद जो है फिर मैं मेहंदी लगाने चली गई थी सलून में, मुझे आईब्रो भी वैक्स करवानी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग गया, क्योंकि वेट करना पड़ा था ना, और भी लोग बैठे हुए थे मेहंदी के लिए, इस वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा इरादा था कि मैं बहुत ज़्यादा भर के लगवाऊंगी, लेकिन टाइम इतना नहीं था। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी, ये चेक करें, ये मैंने बहुत ही कम, मतलब फिंगर्स पे ही रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मेहंदी मैं अपनी लेके गई थी, ऑर्गेनिक मेहंदी है, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी हिरन नसरुल्ला से, उनका पेज वगैरह जो है मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आपने धीरे देखी हो। यहाँ पे ना तकरीबन 15 से 20 मिनट ही मैंने इस मेहंदी को रखा होगा, ठीक है। आप कलर चेक करें, माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत कलर आया था इसका, और ये बिल्कुल भी इचिंग नहीं करती, बिल्कुल जलन नहीं होती आपके हाथों में। ये पता है छोटे से बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथों में हम नहीं लगाते कि स्किन ख़राब होगी, केमिकल्स हैं, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज ऐड कर दूँगी, सही, नहीं तो आपने स्टोरी पे देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने उनको वहाँ पर टैग किया हुआ था, आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक है, मुबारक। चलो अब आप रेडी हो जाइए जल्दी जल्दी से, क्या मैचिंग है, कैप मैचिंग किसके साथ है ये देखिए आप, थ्रेड के साथ किया उन्होंने, चलिए चलिए जल्दी जाइए। अच्छा, नमाज पे जाने के बाद इनकी जल्दी से ना मैंने कमरे की सेटिंग वगैरह कर ली थी, जो सफाई थी वो कर लिया था, नाश्ते की तैयारी कर ली थी मैंने, क्योंकि उसके बाद मुझे कैट्स को ओपन करना था, और फिर नाश्ते के बाद जो है ये थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि नींद थी उनकी फिर भी पूरी नहीं हुई। आप हालत चेक करें, नीचे क्यों बैठ रहा हूँ, हेलो, हालत देखो बेचारी, हालत देखो बेचारी। स्मोकी, स्मोकी क्या हुआ?
टाइगर आओ, अच्छा इसको करने अच्छा इसको करने दो, इसको करने दो, इसको ऐसे मज़ा आता है। इधर आओ तुम, इधर आओ तुम, इधर आओ। तो कुछ चीज़ें वगैरह मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ पे जो बच्चों के लिए जो है कुछ है गिफ्ट्स। ठीक है, अच्छा थोड़े बहुत जो मैंने गिफ्ट्स लिया था ये चांद रात को, तो मैंने कहा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें थी, इसमें बच्चों के लिए भी है और मैंने अपनी नन के उनके बच्चों के लिए और भाभी आपी सबके लिए लिया था। एयरिंग्स जो है ना मैंने जो एक जैसे ली थी वो मैंने ली थी आपी और भाभी और अपनी नन के लिए और मेरी भी थी, तो चार रिंग्स थी और एयरिंग्स थी। बाकी सारी चीज़ें थी वो सारी बच्चों में कर देंगे हम, जो भी मतलब जिसको पसंद आएगा इस तरह से। और ये सब चेक करें आप, इतनी खूबसूरत। इसमें मैं आपको 95 वाली ज्वेलरीज दिखाती हूँ, मुझे वो भी बहुत प्यारी लगी थी, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। अच्छा ये हेयर क्लिप है, बहुत प्यारी सी थी। और ये वो ज्वेलरी जो मैं आपको बता रही थी 95 की, इसमें एक नेकलेस था और दो जो है इसमें एयरिंग्स रिंग्स थी, बस जैकोन वाले थे, बहुत खूबसूरत से। अच्छा यहाँ पे ना मम्मी के लिए मैंने सूट लिया था, मैंने अपनी सास मम्मी के लिए लिया था, वो आपको सेकेंड डे दिखाऊंगी, लेकिन ना जाना नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत लेट आए थे। अलविदा मम्मी एतकाफ में बैठती ना, तो मैं रात में जाती हूँ अक्सर, लेकिन इस दफ़ा जाना नहीं हुआ था, तो मैंने मम्मी को ईद के दिन दिया था सूट। अच्छा मम्मी आपके लिए एतकाफ में आती, लेकिन ये कि फिर लेट आए थे बहुत ना। थैंक यू, खैर बारात। ये तो मेरे कपड़ों में मैच कर गया, क्या बोलते हैं जान का, ये जान का, ये अजान का, ये जी तो अंकल देंगे ना, पुपअप देंगे अंकल। करिए इसको ओपन करिए, ईद मुबारक। कलर डिसाइड करें आप भी, ये वाला कलर ले रही थी, कलर तो दो नहीं देखिए, दोनों अच्छे हैं, दोनों प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं। मेरे सूट में दोनों ही मैच कर रहा है। ये उरिया का, इसका कलर देखिए, वो कलर बोल साइज रेंज है। अच्छा अम्मी का सूट है, इसका शायद दुपट्टा है लॉन का। हाँ अब ये दुपट्टा जैसा बना रहा है, नहीं अम्मी वो, हाँ डायमंड दुपट्टा साइज, लेकिन लॉन पे ही है, गला नहीं है सब बना बोलती हूँ। ये देखिए गले में कुछ काम ऐसा नहीं, चाहिए रुक जाओ। वाओ अच्छा लगा, इधर देखो अब्दुल बारी, हेलो। हाँ ईद मुबारक नहीं करोगे? ईद मुबारक। आपने ईद मुबारक नहीं किया? ईद मुबारक बहुत बहुत, मैं तो यही पहनूं। अच्छा पहनो। अच्छा भाभी ने बनाई थी चिकन बिरयानी, साथ में रायता था, रशियन सैलड और पास्ता, शीर खुरमा भी था जो हमने बहुत बाद में खाया था क्योंकि उस वक्त पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना अपनी फुल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कौन से वाले? ये बच्चे वाले, खूबसूरत है ये, काम में तो बढ़ूँ क्यों। थैंक यू, मन करो दीदी मम्मा के पास क्या दिखाओ मुझे आगे से, फिर मम्मा जो है इनको। ओके थैंक यू। थैंक यू, जजाकल्ला। तो वीडियो बना रही हूँ जजाकल्ला। ये क्या कर रही है? पैसे ले रही हूँ ना, काम करती जाओ करते हुए। जजाकल्ला। आप ही ईदी आप ही ईदी दो, आप ही ईदी दो, आप ही एक इलौती तुम्हारी छोटी बहन हूँ मैं, आप ही कैसे मांग मांगे लेनी पड़ी बताओ, तो बस तो बस सकता जजाकल्ला। आप ही हालात अभी इतने वो नहीं, बहुत कम है, गलत बात है, सोचो ना। आप ही यह नरम नोट है, ये मजे का नहीं है पर चलेगा, कोई बात नहीं।
जजाकल्ला बस ये काफ़ी है बस और दे भी नहीं रही हूं। अच्छा ठीक है टैटू दे वाओ वीडियो वैसी है ऊपर का देखो तो इधर तो देखो अच्छा इधर तो देखो क्या हो रहा है भाई सेट कर दिया शुरू हाथ पे टैटू अच्छा लग रहा है ऐसे ना बोलिए सब बच्चे लोग इधर आओ अरे ये मिल गई है नहीं चाहिए इसको मिल गई है भाई इसको नहीं चाहिए देखो इधर कहाँ ये क्या किया है पीछे ये देखो ये बच्चा ये एक पागल खाने से एक बच्चा निकला नहीं बोलो चलो अल्लाह हाफिज़ करो आया वो कैसे उसे अरे नीचे कैसे उसे तुम सब तो पहले हुए थे अब तो तुम्हें आधा पानी भरे वाह वाह।